अगर आप भी वेट कर रहे हो ऑल्ट सीजन का और आप ये सोच रहे हो कि हमारा पोर्टफोलियो जो है ग्रीन में कब आएगा, रॉनी भाई कौन सी ये चिड़िया का नाम है ऑल्ट सीजन, कब ये पीक सीजन आता है, कब ये सारी चीज़ें होती हैं जिस वजह से हमने इन ऑल्ट कॉइन्स को बाय करके रखा हुआ है। पिछले 7 महीने से हम लोग इन ऑल्ट कॉइन्स को होल्ड कर रहे हैं बट अभी तक हमारे पोर्टफोलियो में बिल्कुल भी ग्रीनरी नहीं आई है, बिल्कुल भी परफॉर्म करना शुरू नहीं किया है। उसके रीजंस क्या है और ये ऑल्ट सीजन कब आता है, किस वक्त के अंदर आता है, ये चीज़ हम लोग डिस्कशन करेंगे। प्लस मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा कि ये कुछ महीनों का ही ऑल्टकॉइन पीक सीजन होता है। बेसिकली दो तरह के सीजन होते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक होता है ऑल्टकॉइन सीजन, एक होता है पीक सीजन, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। क्योंकि इस पीक सीजन में आपको कोई छोटा मोटा रिटर्न नहीं दिखता, आपको बहुत बड़े रिटर्न दिखते हैं। बात करें सोलाना के बारे में कि बुलरन में कैसा रिटर्न दिया, तो ये एक ऐसा कॉइन था ब्लॉकचेन का जिसने बहुत बड़ा रिटर्न दिया था। अगर आप देखोगे सोलाना को 2020 से, अगर हम लोग दिसंबर से, जैसे अभी का टाइम चल रहा है 2024 नवंबर से ले लेते हैं नवंबर, क्योंकि नवंबर का महीना अगला आने वाला है, तो सोलाना ट्रेड करता था $1.91 पे, यानी कि सिर्फ $2 से कम की कीमत वाला कॉइन। इसको हम लोग अगर नापें दिसंबर से ये इस एरिया से लेके जाएं ऊपर, तो भाई 13,000% का रिटर्न दिया था सोलाना ने, यानी आपने 10,000 लगाए होते तो वो बन जाते 13 लाख रुपए। इस तरीके का रिटर्न हमें देखने को मिला था इस बुल सीज़न में। अब ये हो गया 2021 का सीज़न, अब किस तरीके से अब का सीज़न आ सकता है और कौन से अगर ऑल्ट कॉइन आपने होल्ड किए हैं वो कॉइन आपको जो है अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, बाकी जो हैं वो इतना रिटर्न शायद ना दें, ऐसा हमने पहले सीज़न में भी देखा था। और अब आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है, मतलब इतने सारे ऑल्ट कॉइन आ गए, आपको ये नहीं समझ आएगा किस में पैसा डालें, कौन ओरिजिनल है कौन यहाँ पर फेक है, इस चीज़ का भी आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आपके पोर्टफोलियो में किस टाइप के कॉइन्स होने चाहिए। मैं आपको कॉइन ये नहीं बताऊँगा कि ये कॉइन बाय कर लो, मैं आपको बताऊँगा किस टाइप के, किस कैटेगरी के होने चाहिए। प्लस हम लोग देखेंगे कब कौन सी विंडो में ये जो ऑल्ट सीज़न है हमें देखने को मिलता है, क्या कितनी विंडो होती है, कितने महीने की होती है, कितने साल की होती है, वो हमें विंडो देखनी है। और वो हम लोग किस चीज़ से देख सकते हैं, इस चीज़ से, डोमिनेंस से मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर आपने एक भी पार्ट इसका मिस कर दिया तो हो सकता है आप यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉफिट मिस कर दो। तो मेक श्योर ज़रूर मिस मत करना, और सारी चीज़ों को कवर करेंगे। सेक्टर्स के बारे में बताऊंगा कि कौन से सेक्टर इस बुल रन में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अभी देखोगे तो BTC लगभग यहाँ से $28,000 से कहाँ पहुँच गया है, 67 पे, बट ऑल्ट सीज़न हमें दूर दूर तक देखने को नहीं मिला। क्या पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था या इस बार ही सिर्फ हमारे साथ यहाँ पर जो है फ्रॉड हो रहा है, क्योंकि हम लोगों अब मार्केट में आ गए और हमें वेल्स जो है पैसा कमाने नहीं देना चाहती, क्या ऐसा हो रहा है या फिर ये पिछली बार की तरह ही सीन देखने को मिल रहा है, ये सारा डिस्कशन रहेगा। बट आगे बढ़ने से पहले, लास्ट टाइम आपने बहुत सारे लाइक करे, लगभग यहाँ पे 850 के करीब करे, आई होप इस टारगेट को आज की वीडियो में हम लोग ब्रेक करेंगे। 900 लाइक्स का एम करते हैं, सब लोगों ने लाइक करना है और अप्रिशिएट करना है ताकि हम लोग और ऐसी वीडियोज ला सकें। और मेक श्योर जो लोग नए आए हैं सब्सक्राइब भी कर लेना। देखो बात करते हैं सोलाना के बारे में, सोलाना कहाँ से ढूंढे नेक्स्ट जो इस बुल रन में हमें सेम ऐसा रिटर्न दे जैसे सोलाना ने दिया था, और कब देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कौन से महीने में शुरू होगा ऑल्ट सीजन, ये तो पता होना चाहिए ना हमें कि पीक सीजन की जो बात करते हैं। ऑल्ट सीजन तो एक अलग होता है जिसमें कुछ ऑल्ट कॉइन पंप करते हैं, थोड़ा बहुत 400-500% जाते हैं, बट वो सीजन कब आता है जब यहां पे ऐसे पहाड़ बन जाता है, जब यहां पे 5,000-7,000% का रिटर्न हमें देखने को मिलता है, वो ऑल्ट सीजन का बात है। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा बिटकॉइन और डोमिनेंस का चार्ट। अब ये चार्ट हमें बताएगा कि ऑल्ट सीजन का एग्जैक्टली कब मोमेंटम आ सकता है, कब ऑल्ट सीजन शुरू होता है, ये भी हमें बता सकता है, और पिछली बारी की तरह सेम मोमेंटम चल रहा है या नहीं चल रहा वो भी देखेंगे। देखो अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूँगा 2021 के अंदर, ये टाइम था 2020 का सितंबर का, 2 साल का बेसिकली विंडो होता है ये, जैसे 2024-2025 का है वैसी था 2020 और 2021 का। 2021 मार्च को यहाँ पे डोमिनेंस
58 के नीचे आना शुरू हुई 2021 मार्च को। अगर हम लें तो प्राइस कहाँ पे ट्रेड करता था बीटीसी का, तो 2021 मार्च में बीटीसी का आप ये लगा लो टॉप लग चुका था, ऑलमोस्ट 10-15 हज़ार का और ऊपर गया ये, उसके बाद बीटीसी ऊपर नहीं जा पाया, आपको भी पता है। तो ये वाला एरिया था, आप यहाँ पे देख सकते हो ये टॉप लगा बीटीसी का, और यहाँ पे देख सकते हो डोमिनेंस ने ये वाला एरिया को ब्रेक किया, तो दोनों सेम एरियाज हैं। अब यहाँ पे बीटीसी हुआ साइडवेज अपना टॉप लगा के, और डोमिनेंस क्रैश हुई, कितना क्रैश हुई ये देखो मैं आपको बताता हूँ, कितने दिनों में क्रैश हुई बेसिकली ये देखना है। तो डोमिनेंस ने कितना टाइम लिया ये देखो, तो डोमिनेंस ने 84 to 90 days या आप 100 days लगा लो, डोमिनेंस सीधा नीचे आ गई सिर्फ 90 से 100 दिनों के अंदर डोमिनेंस नीचे आ गई, यानी कि 3 महीने के अंदर ऑल्ट सीजन हमें भयंकर देखने को मिला। जो पीक ऑल्ट सीजन की बात करते हैं हम लोग, वो सिर्फ 3 महीने के अंदर हमें देखने को मिला, जब डोमिनेंस 58 को क्रैश करके कहां पहुंच गई ये भी देख लेते हैं। लो इसका ऑलमोस्ट इसने लो लगाया 40 का लो लगा दिया डोमिनेंस ने, और बीटीसी ने टॉप लगा दिया अपना। उसके बाद जो है डोमिनेंस यहाँ पे साइडवेज हो गई, बीटीसी का प्राइस भी यहाँ पे जो है एक ही रेंज में घूमने लग गया। जब बीटीसी का प्राइस क्रैश किया धीरे धीरे करके, डोमिनेंस भी नीचे आ गई, और फिर हुआ यहाँ पे नया साइकिल शुरू जो अभी हम लोग देख रहे हैं। तो इससे एक चीज़ क्या पता लगी, मतलब आप लोगों को आई होप समझ आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना पॉज करके वीडियो। इससे एक चीज़ पता लगी कि यहाँ पे बीटीसी जब भी साइडवेज होगा ऊपर जाके एक सिक्योर जगह पे चले जाएगा, साइडवेज हो जाएगा, और डोमिनेंस यहाँ पे जो है दोबारा से ये क्रैश करना शुरू हो जाएगी जैसे अभी चल रही है, यहाँ पे क्रैश करेगी। ये 2-3 महीने 4 महीने का वक्त रहेगा बेसिकली, मेरे को लगता है इस बारी जो है विंडो जो है 2 या 3 महीने की रहेगी, क्योंकि काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये 2-3 महीने में ही काम हो जाएगा, 2-3 महीने में ही जो है हमें ऑल्ट सीजन देखने को मिल जाएगा। और जिन लोगों ने भी अच्छे कॉइन्स बाय करे होंगे, जिन लोगों ने अच्छे प्रोजेक्ट्स बाय करे होंगे विद मार्केट कैप देख करके, विद मीम कॉइन्स का भी यहाँ पे जो है काफ़ी बड़ा ऑल्ट सीजन देखने को मिलेगा हमें, तो मीम कॉइन्स में भी अच्छे प्रोजेक्ट आपने बाय करे होंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। अब देखो, अब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि अभी तो साइडवेज रहेगा मार्केट, हो सकता है बीटीसी के साथ कुछ ऑल्ट कॉइन जो है ऊपर जाएं बट सारे नहीं जाएंगे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन को यहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे कि आपको क्या चेक करना है, आपको ये देखना है कि जब बीटीसी बढ़ रहा है तो कौन से प्रोजेक्ट बढ़ रहे हैं। एक तो सोलाना ऊपर जा रहा है तो सोलाना में आप अपना पैसा ज़रूर रख सकते हो। FTM में अच्छी रैली कर रहा है, जब भी BTC ऊपर जा रहा है तो FTM स्ट्रांग है, यानी कि इसमें कोई खिचड़ी पकड़ी है, FTM यहाँ पे एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। इथेरियम देखोगे तो बहुत वीक है, डेफिनेटली आपका बिलीव है तो आपको यहाँ पे रिटर्न मिलेगा, अदरवाइज़ तो भाई इस बारी तो दिख रहा है कि सोलाना FTM ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब सोलाना इस बारी बाजी ज़्यादा मारेगा ये लग रहा है देख के। देखो अब अगर ARB के बारे में पूछोगे तो ये प्रोजेक्ट अच्छा है, ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट बुरा, हो सकता है जब डोमिनेंस गिरनी शुरू हुए तब ये कॉइन भागे तो ये अच्छी डील होगी, बिल्कुल बॉटम पे है, बट इसमें इंतज़ार ज़्यादा करना पड़ सकता है, ये बात याद रखना। ये हो सकता है यहीं पे घूमता रहे इसी रेंज में और फिर अचानक से यहाँ पे ब्रेकआउट करे, तो यहाँ पे इंतज़ार ज़्यादा होगा तो उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। तो आप कोशिश ये कर सकते हो, मोटा मोटा मैं आपको बताता हूँ, देखो कॉइन का बताने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, आपको बताने का फ़ायदा है कि कौन से सेक्टर्स में आपको जाना चाहिए। AI के सेक्टर्स के कॉइन्स रखो, AI में ज़बरदस्त यहाँ पे डेफिनेटली रैली होगी, क्योंकि AI सेक्टर हर जगह छाया हुआ है, स्टॉक में भी छाया हुआ, तो यहाँ पे क्रिप्टो में भी, तो नियर प्रोटोकॉल, ताओ, ठीक है, ये सारे कॉइन्स आप बाय कर सकते हो। रेंडर, इनमें आपको एक चीज़ नोटिस करनी है कि मार्केट कैप का भी देख लो कि मार्केट कैप कंट्रोल हो, बहुत ज़्यादा ना हो, टोकन ज़्यादा रिलीज ना होने हो, तो इनमें कुछ कॉइन्स आप पकड़ सकते हो AI के। उसके साथ RWA का नैरेटिव काफ़ी स्ट्रांग है, ठीक है, RWA के कॉइन पकड़ लो, एक दो, ज़्यादा नहीं, मेन पकड़ लो, जैसे मंत्रा बहुत फेमस है RWA में, मंत्रा अभी नीचे आए तो, बट मंत्रा ने बहुत ज़्यादा रिटर्न दे दिया, तो उसी हिसाब से देखो। ऑन्डो फाइनेंस है तो ऑन्डो को भी पकड़ सकते हो, ठीक है, इस तरीके से आप RWA कॉइन्स के अंदर भी अपना जो है पकड़ा जा सकता है कुछ कॉइन्स को, जो मतलब जो आगे जाके ट्रेंड कर सकते हैं। जैसे मीम का सेक्टर बहुत स्ट्रांग होने वाला है तो मीम को आप जाके छान सकते हो। मीम में क्या कर सकते हो, आप अंडर वैल्यू कॉइन्स देख सकते हो जिनकी मार्केट कैप छोटी है और हर एक एक्सचेंज पे भी है वो, तो वो देख सकते हो। जैसे बैंडॉक का मैंने बताया था आपको, इसकी मार्केट कैप बहुत छोटी है, तो ऐसे 10-12-15 million वाले मीम टोकन देख सकते हो, पोटेंशियल है जिनमें वो जा सकते हैं, उन कॉइन्स को देख करके आप अपना
उनमें बाइंग कर सकते हो, ये इस तरीके कर सकते हो। बहुत सारे कॉइन्स हैं यार, किस किस कॉइन को पकड़ोगे, सबको नहीं पकड़ सकते। जैसे पॉप कैट ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, पॉप कैट आगे भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। सुई, सुई को देख सकते हो अभी डाउन आ रहा है, सुई सुई को एक्यूमुलेट कर सकते हो धीरे धीरे करके ब्लॉक चेन में। अगर सोलाना छूट गया कोई बात नहीं, सुई को पकड़ लो, बट सुई को नीचे आने दो, हो सकता है $1 तक भी आ जाए। जिस हिसाब का डोमिनेंस बढ़ रहा है ना भाई, $1 तक भी आ सकता है, डोमिनेंस बहुत हाई चलेगा। देखो डोमिनेंस यहाँ पे कितना जा सकता है, मेरे हिसाब से 60-62 तक भी जा सकता है डोमिनेंस, और वहाँ पे ऑल्ट कॉइन काफ़ी बुरा परफॉर्म करेंगे। अभी ये देखने को मिलेगा, ये साइकिल का हिस्सा है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको बिलीव करना अपने कॉइन्स पे जो कर सकते हैं, जिनका ट्रेंड आ सकता है, जिनकी टेक्नोलॉजी अच्छी है या फिर उनकी कम्युनिटी अच्छी है। क्योंकि अगर मीम टोकन्स में जा रहे हो तो आपको कम्युनिटी अच्छी चाहिए, प्लस मार्केट कैप भी कंट्रोल चाहिए, ये भी देखना होता है। तो ये सारी चीज़ों को आप नोटिस करके फिर अपनी बाइंग कर सकते हो, तब आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। और हो सकता है आप सोलाना की तरह कोई ऐसा कॉइन पकड़ लो जो यहाँ पे अच्छा खासा पंप हो जाए, जो यहाँ पे 15,000-20,000 इवन की 60,000% तक भी कुछ कॉइन पंप हो जाते हैं। तो यानी कि अगर आप थोड़ा सा पैसा आपने कुछ चुनिंदा कॉइन में डाल दिया और वो ऐसा कमाल कर गए, तो डेफिनेटली आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़बरदस्त पंप हो जाएगा। बाकी ऐसा नहीं है कि 100x ढूंढने जाओगे तो आपको 100x मिलेगा, और कितने लोग यहाँ पे 100x तक रुक जाते हैं, बहुत कम लोग रुकते हैं। मेरा तो एक ही मानना है, जब आपको सोलाना जैसा कॉइन मिले तब भी आप अपना कैपिटल जो है जब ये पंप करेगा तो उसमें से बाहर निकालते रहो और कॉइन्स में यूज़ करो। क्योंकि मैंने जैसे मैं केक के बारे में बताता हूँ आपको, केक को मैंने देखा था पिछले बुल रन में, ये ना कुछ ही टाइम में चले गया था। केक का मैं पुराना चार्ट दिखाता हूँ आपको, कुछ ही टाइम में पहुँच गया था ये, ठीक है। ये केक का पुराना आएगा चार्ट 2021 में आया था। देखो केक आया था, कितना आया था देखो, पहले ये पंप किया, डंप हुआ, उसके बाद केक ने बॉटम लगाया ऑलमोस्ट $9 का। भाई $9 से ये कॉइन कहाँ पहुँच गया, देखो इसको, ये $9 से सीधा पहुँच गया 44 कॉइन। और ये कितने दिनों में पहुँचा वो भी देख लो, $9 से जब इसकी शुरुआत हुई तो कितने दिनों में पहुँचा ये भी देख लो जाके, 49 days में, मतलब 1.5 महीने के अंदर ये कॉइन ने इतनी बड़ी रैली दे दी, इतनी बड़ी। और हो सकता है शायद ये पुराना चार्ट ना हो, क्योंकि मुझे लगता है केक और ज़्यादा नीचे था, मुझे पुराना चार्ट देखना पड़ेगा। पैनकेक, ये देखो ये चार्ट है इसका पुराना, यस ये चार्ट देखो, ये चार्ट में पता लगता है कि केक यहाँ पे जो पैनकेक स्वैप था वो चलता था 65 सेंट तक 2021 में जनवरी तक, और जब भाई ऑल्ट सीजन आया पागल हो गया ये तो कॉइन। ये देखो ये कुछ ही टाइम में पहुँच गया सोलाना की तरह, 14,000% का रिटर्न दे दिया भाई, 14,000% का। तो ऐसे कॉइन ढूंढने पड़ेंगे आपको, ऐसे कॉइन आपको पोटेंशियल रखनी पड़ेगी जो साइडवेज चल रहे हैं। अब तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि आप रख लो, उसको भी रखो, ARB को भी रखो, शायद हो सकता है वो साइडवेज है, कुछ ऐसा ही कमाल कर दे। क्योंकि हमने पीछे वाले कॉइन्स में ये देखा, क्योंकि ARB तो अच्छा है प्रोजेक्ट है, बट वो साइडवेज बहुत है और बॉटम पे घूम रहा है। तो ये गलती ना करना, प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए चाहे वो अभी साइडवेज कर रहा है। क्योंकि प्रोजेक्ट अगर अच्छा होगा तो देखो कितने महीने तक ये यहाँ पे डाउनवर्ड रहा, 112 डेज तक यहाँ पे डाउनवर्ड रहा ये लिस्ट होने के बाद, उसके बाद देखो कैसे भागा। तो ऐसा कॉइन आपको मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और अगर आप प्रीमियम भी ज्वाइन करना चाहते हो, हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हो, तो ये पिन कमेंट्स में लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करो और प्रीमियम भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपसे ट्रेड नहीं हो रहे, आपको समझ नहीं आ रही कौन से कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से कॉइन में कैसे रहना चाहिए, तो आप कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। बाकी टेलीग्राम में फ्री कॉल्स के लिए भी आप ज्वाइन करो, क्योंकि मैंने यहाँ पे BTC की कॉल दी थी, देखो ये BTC का चार्ट था, उसके बाद लगभग यहाँ पे 80% का प्रॉफिट हुआ। और ये चीज़ें मैं दिखाता रहता हूँ, देखो BTC का चार्ट मैंने फ्री में डाला, और जिन लोगों का प्रॉफिट हुआ डेफिनेटली वो ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी अगली वीडियो में दोबारा मिलते हैं और एक नई प्रेडिक्शन के साथ आएंगे, नई चीज़ों के साथ आएंगे। तब तक के लिए गाइस गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।